हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास एक ये मॉडल आया है सैमसंग A14। दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम ये दे रहा है, ये फ़ोन है हाफ शॉट और रीडिंग है ऐसी बता रही है, कभी ले रही है 500 कभी ले रही है 1000 कूल टेस्टिंग पे। तो ये बहुत ही माइनर कहीं शॉट है, लेकिन इसके लिए हमें इसकी पूरी शील्ड निकालनी पड़ेगी, उसके बिना हमारा काम होने नहीं ही वाला। तो अभी हम इसकी फटाफट पूरी मदरबोर्ड की शील्ड ओपन करते आ गए माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे। तो ये कैप पैक हमें डाउट हुआ, लेकिन ये कैप बराबर दिखा है हमें, वैसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ ओके है। मैंने बोला शायद यहीं प्रॉब्लम हो, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम नहीं मिला मुझे। तो अभी हम इसका जो पूरी शील्ड ओपन कर लेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम ये यहाँ की शील्ड भी देख लेंगे यहाँ पर क्या है। तो इसके अंदर भी हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी पानी गया हुआ है, यहाँ कंपोनेंट में भी पानी दिख रहा है, लेकिन हमें इसकी पूरी ही शील्ड ओपन करनी पड़ेगी। मुझे हर जगह पानी दिख रहा है ये मदरबोर्ड में। तो अभी मैं इसे फटाफट पूरी शील्ड ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम निकला था। और माइनर शॉर्टिंग थी, माइनर शॉर्टिंग में ऐसा रहता है कई बार, और कभी भी शील्ड जो है हमें डायरेक्ट उखाड़ना नहीं है। कई हमने देखे हैं कई मोबाइल रिपेयरिंग वाले डायरेक्ट उखाड़ देते हैं, और जो बनने वाला सेट है वो फिर बन नहीं पाता, इंटरनल सेकेंड लेयर की थर्ड लेयर की ट्रैके ओपन हो जाती है। तो ये देख लीजिए, ये शील्ड निकल चुकी है हमारी, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला इतना ज़्यादा। अभी याली शील्ड भी देख लेंगे नेटवर्क सेक्शन की, तो हमें यहाँ पे भी कुछ पानी नहीं मिला। तो अभी ऊपर में एक और शील्ड है बाजू में छोटी सी, ये भी देख लेंगे। तो सीपीयू के पास ही होगा मे भी शॉर्टिंग। तो अभी हम पूरी शील्ड निकालने से गाइस ये फ़ायदा रहता है, अगर आप एक शील्ड निकाल के बना भी लो फ़ोन, तो दूसरी शील्ड में कई बार पानी लगे हुए रह जाता है, तो हमें कुछ प्रॉब्लमों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कुछ दिन फ़ोन चला, फिर अचानक डेड हो गया, फिर कभी नहीं बनता। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है इस तरीके से शॉर्ट कर देता है फ़ोन कि आईसी उड़ा देता है, कई बार प्रोसेसर उड़ा देता है, एमएमसी उड़ा देता है, तो फिर फ़ोन बन नहीं पाता। अगर पावर छोटी मोटी उड़ी तो हमारा फ़ोन बन जाता है। तो देख लीजिए, अभी हमें यहाँ पे पूरा दिख रहा है, पूरा डस्ट ही डस्ट, क्या शॉर्ट है हमें समझ नहीं आ रहा है। हर कंपोनेंट में हमें वही दिख रहा है, पानी डस्ट, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये तीनों आईसी भी हो सकता है शॉर्ट हो, एक एक आईसी निकाल के भी देखना पड़ सकता है, लेकिन सबसे पहले हम रोजिन मार के चेक करेंगे वाकई में जो हमारा प्रॉब्लम है वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सबसे पहले हम इसे पूरी लाइनें अच्छे से चेक कर लेंगे, फिर रोजिन मारेंगे। तो देख लीजिए, अभी जब हम रोजिन मार रहे हैं तो पूरा रोजिन एकदम अच्छी तरीके से फिल करना है सभी तरफ, कि जो भी पार्ट ख़राब हो। हमारे पास जैसे थर्मल कैमरा है, हम उससे भी चेक करके बता सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास थर्मल रहता नहीं है। तो देख लीजिए, शॉर्टिंग पकड़ी गई, ये कैप है जो शॉर्ट हो रहा है। अभी करंट दिए तो देखो धुआं भी निकला है, तो आपको धुआं निकलते हुए दिखाऊंगा, तो धुआं भी निकला है, मतलब वही कैप शॉर्ट है, उसकी वजह से ही हमारी रीडिंग कभी हाफ शॉर्ट हो रही है, कभी अच्छी बता रही है, यानी एकदम छोड़ पकड़ कर रहा है रीडिंग मल्टीमीटर से भी। तो देख लीजिए, एक ये मिला है हमारा, चोर मिल चुका है, ये चोर है जो पूरे फ़ोन को बंद चालू होने से रोक रहा था। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो अभी हम फटाफट फ़ोन को साफ़ करेंगे, मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मदरबोर्ड की कंडीशन है, अभी हमने जो चेक किया बहुत बारीक कंपोनेंट था, आँख से देखना मुश्किल था। तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे, और इसके बाद हम आपको चेक करके बताएंगे कि वाकई में जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम इसे अच्छी तरीके से पूरा सुखा लेंगे अच्छी तरीके से, और इसे अच्छे से फिट करेंगे। तो फाइनली गाइस, ये रिज़ल्ट रहा, अभी आपके सामने आने वाला है। तो अभी ये बैटरी पूरी डाउन है, लेकिन हमारा जो फ़ोन है वो परफेक्टली ऑन हो चुका है, 2% भी चार्ज हो चुकी है बैटरी। और अभी हम इसे पूरा ऑन करके बूट करके चेक करेंगे। फाइनली गाइस, जो हमारा फ़ोन है वो परफेक्टली ऑन हो चुका है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराना है, तो आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।